आज देखो मेरे घर पे क्या काम चल रहा है। ये सारे वेल्डर रूम लगा के गया है कपड़े, तो कपड़े और ये दरवाजे जो हैं वो फैल गए थे, तो ये जो है दोबारा से न्यू लग रहे हैं। मतलब जस्ट हो रहे उधर ये दरवाज़ा भी उतरा हुआ है, यहाँ का दरवाज़ा भी उतार दिया गया है क्योंकि ये दीवार देखनी है, ये नया लग रहा है। ये देखो ये भी बड़ा था थोड़ा, तो ये तो यहाँ लग रहा है। अभी मैं ये कुछ सामान लेके आई हूँ, ये छिड़कनियाँ वगैरह ये सब न्यू लगेंगी, ये तो ऐसे गन बच जाता है। काम जरा सा होता है, देखो बाहर भी कटिंग करी है इन्होंने, मशीन पड़ी हुई है। तो ऐसे काम में क्या होता है कि शक्ल भी ख़राब हो जाती है सारी। अभी ये दीवार भी ठीक हो गई, नेक्स्ट इससे यही काम होने वाला है। पूरा दिन काम में लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है। एक तो मैं ये क्रेन वालों की वीडियो देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग के देखते होंगे शायद, ये ईरान के नोमैडिक लाइफ के बारे में है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, शायद इनको देख देख के हमारे घर का काम भी छिड़ गया। हम तो नहीं मेहनत कर रहे पर कोई और तो कर रहा है। पानी कितना प्योर है, यही पानी पीते हैं। कल भी मैं वीडियो इसीलिए नहीं डाल पाई थी, बस काम में बिजी रही थोड़ा। ये दरवाजा बाहर जा रहा है, इसकी कटिंग करेगी। ये खोल दो दरवाजा, स्लाइडिंग खोल दो, ये स्लाइडिंग नहीं बंद है आधा। फ्रेंड्स देखो मैंने, अब आपको मैं फाइनल वर्क दिखाती हूँ जो हुआ है आज। ये फिट कर दिया दरवाज़ा, अब ये ढंग से बंद हो जाता है। ये स्लाइडिंग जो था इसका लॉक अब लग रहा है, देखो आराम से, अब आराम से खुल रहा है। देखा कितना आराम से सॉफ्टली खुल रहा है। एक चीज हो गया है, वो ये जाली का दरवाज़ा भी ठीक करना था। वही बात है ना, ये देखो ये विंडो भी आराम से बंद हो रही है, पहले होती नहीं थी। ये लोग ना मतलब एक ना एक काम इनको करने का दिल नहीं करता है, मेन प्रॉब्लम ये है। ये देखो ये दरवाज़ा भी लग गया है इस पर, ये न्यू, ये दरवाज़ा किचन का था, ये पीछे ये लगाई है, देखो शीट न्यू लगाई है पूरा अच्छे से। अब ये पॉलिश होगा बाद में, ये फिलिंग होगी इसमें, गैस ही छोड़ गया बोल रहा था मैं, इसमें लकड़ी भरूंगा। ये दरवाज़ा उतर गया है, अब ये जो है ना यहाँ पर मैं सोच रही हूँ ये जब दीवार टूट जाएगी ना तो ये भी निकल जाएगा। ये तो इसकी ये जो टाइल है ना बहुत आगे आ रही है, ये सारी उतरवा दूंगी मैं टाइलों या अलमारी बनवाऊँगी थोड़ी सी छोटी सी, मीन्स वो जो ग्लासेस वगैरह कप्स रखने के लिए, तो ये स्पेस खुल जाएगा ना, ये एरिया खुला हो जाएगा, ये दीवार भी नहीं रहेगी। ये वैसे भी ये सारा ये टाइल्स बाहर को आ रही हैं, इसमें ख़राब हो गई हैं, ये ढंग से लगाई नहीं थी उन्होंने, तो ये टाइल्स भी तोड़वा के ना यहाँ पर वो सनमाइका लगा के वो वाटरप्रूफिंग करके फिर करवाएंगे। बाकी ये दरवाज़ा हमारा इसको बेचना पड़ेगा, ये निकल गया। तो ये काम हुआ है आज, ये अब कम से कम ये दरवाजे जो है ना बंद हो रहे हैं आराम से। इतना मतलब पहले ये अटकते थे यहाँ से ना, ये अटकता था पहले, बंद नहीं होता था। अब ये देखो फ्रीली खुल रहा है, पर बड़ी मेहनत, पूरा दिन लग गया, पर गंद मचता है, बहुत मेहनत लगती है घर ठीक कराने में। ये सारा उसने रिमूव करके पूरा ठीक किया स्लाइडिंग डोर। तो सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़, और
ALBSV चैनल वॉच करो, ALBSV के नाम से। मैं आपको और काम दिखाऊंगी और बताती रहूंगी कैसे कैसे हो रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको भी। देखो कितनी सफाई करी है मैंने, फर्श शाइन कर रहा है ना, बड़ी मेहनत लगती है। मेरे को गंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो साथ साथ क्लीनिंग करती रहती हूँ मैं। अब ये वो टाइल तोड़ गया, देखो यहाँ से तो नुकसान भी होता है। ये दरवाज़ा बंद करते करते ना, ये देखो ये वाटर, मुझे ये बार बार पीस गिरे जा रहा है। इसको वाइट सीमेंट से मैं ही फिक्स करूँगी सुबह, तो ये बहुत ध्यान रखनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों का। ये लोग फिनिशिंग से काम नहीं करते, इनसे खड़े होके कर। देखो अब मैं सफाई करके घर की घर से निकली हूँ दूध लेने के लिए, लेकिन दूध मिला नहीं, वो बंद हो गई शॉप, डेयरी बंद हो गई। डेयरी मीन्स मदर डेयरी, मैं वो ही वाला दूध लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़े से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने। थक जाते हो, एक दिन काम छेड़ो ना, बहुत टाइम लगाते हैं वर्कर्स, और फिर उसके बाद वो फिनिशिंग वाला काम इनसे ज़बरदस्ती, मतलब एक कई वर्कर ऐसे होते हैं जो लास्ट तक काम करना नहीं चाहते, उनसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं और फिर वो बोलेंगे ये भी करना है, ये भी करना है, फिर उसके बाद वो पैसे भी बढ़ाते जाएंगे और काम भी कम करते हैं। तो वो वाले वर्कर एक मिला मुझे जो कि लकड़ी के दरवाजे कर रहा था ठीक। उससे पहले जो वेल्डिंग वाला था उसने तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो हमारा पुराना बंदा है। तो अब हम आ गए फ्रूट लेने।